नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, स्वर से सुर तक के इस दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि पहले एपिसोड के सारे सुझावों को आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आज सा को कैसे गाना है, सिंपल रियाज करना है, सुर लगाना है तो सा गाना है। उसी तर्ज पर ही मैं आगे बढ़ती रहूंगी जब तक हमारा सा मजबूत और परफेक्ट ना हो। तो कैसे सा गाना है? Sa, you all may sing with me. Sa, और एक दूसरा सा सुनिए। Sa, sa, पता चला आपको ब्राइटनेस का फर्क पड़ा। Sa, avoid जो मेरे आवाज़ में थोड़ा बहुत कंपन है उसे अवॉइड करो, क्योंकि बात करते करते गा रही हूँ। सा, तो फर्क क्या हुआ? सा नहीं गाना है, सा ये गाना है। यानी जब भी आप सा का रियाज कर रहे हैं, आपके दोनों होंठ इतने खुले होने चाहिए जिसपे लगभग लगभग दो उंगलियों का गैप हो। इससे क्या होता है कि जब छोटा करके हम गाते हैं तो बहुत मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब हम खुल के गाते हैं तो वो ब्राइटनेस हमें सुनाई देती है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके गाने में ब्राइटनेस तभी आएगी जब आप प्रॉपरली सही ढंग से मुंह को खोल पाएंगे। सो बिगिनिंग कहाँ से है? सा से है। सा नहीं, सा यस, सा बिल्कुल नहीं। सो अगले एपिसोड में इससे आगे बढ़ूंगी सा से ही रिलेटेड चीजें लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स और सिंगर्स को उतना फायदा होगा मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती, क्योंकि सारी के सारी प्रोफेशनल टिप्स मैं अपने इसी स्वर से सुर तक में आप सबसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।